प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ का एक्सरसाइज नंबर 53 को सोल्व करेंगे। 52 की तरह है, वहां पर डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, ये दिया हुआ है, सारे को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या दिया हुआ? सीएम। ध्यान दीजिए, यहाँ सीएम है, मिलीमीटर में आने के लिए बोला है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहला था ऊपर से नीचे आ रहे थे तो डिवाइड था, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। एक बार है तो एक पर एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर 9.8 सीएम लिखेंगे, सेकेंड लाइन में 9.8 लिखेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एमएम लिखेंगे, सीएम के जगह पर एमएम कर देंगे। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल यहां आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करता है 37.6 सेंटीमीटर। अब इक्वल टू 37.6 पर लिख लीजिए। अब देखिएगा सीएम से मिलीमीटर, सीएम से मिलीमीटर, सीएम से मिलीमीटर जाएंगे तो क्या हो गया? 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 10 मिलीमीटर आने की। अब क्या हो गया? ये आपका पॉइंट खत्म जाएगा 7376 मिलीमीटर। क्लियर? अब आइए इसमें 1.29 डीएम। चलिए अब पहला काम 1.29 लिख देना। अब देखिए डीएम यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, यानी कितना है? मिलीमीटर से यहाँ आ रहा है 1-2 मिलीमीटर, यानी डीएम से मिलीमीटर जा रहा है 1 और 2, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा। कितना से होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब आगे हम लोग कितना आया पॉइंट यहाँ खिसक कर जा रहा है 1.29 मिलीमीटर। उसी तरह से डी नंबर सवाल में देखिए क्या है, 71.35 मीटर। अब यहाँ बराबर का साइन दीजिए, इक्वल का साइन, और 71.35 लिख दीजिए, और मीटर मत लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब मीटर से देखिए मिलीमीटर में 1, 2, 3 अंक है, तीन घर जा रहे हैं तो एक पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और बगल में एमएम लिख देंगे, यानी डेसिमल चल जाएगा राइट की ओर। कहाँ जाएगा? 71 लिख दिए, 35 तो हो गया, एक और आगे बढ़ जाएगा, यानी एम एम, यानी पॉइंट यहाँ आ गया। यहाँ पॉइंट लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, और ये भी आपका आंसर हो गया। डी के बाद आपका ई नंबर सवाल है। ई नंबर सवाल है, ई नंबर में कह रहा है 1.053 मीटर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, 1.053 लिख दिए। अब मीटर से आप देख लीजिए, यहां से मुझे 1, 2, 3 है, तो यानी 3 अभी दस बनाए थे, यानी एक पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और एमएम लिखेंगे। बराबर क्या है? सॉरी, अभी यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन लिखना था, हमको पहले क्वेश्चन लिखना था, यानी इतना एम, उसके बाद 1.053 मल्टीप्लाई 1/0 एम एम मिलीमीटर इक्वल टू 1.053 मिलीमीटर, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोलता है कन्वर्ट इनटू, यहां मिलीमीटर था, अब बोल रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसमें कन्वर्ट करना है। कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 में। अब 2 का ए क्या है हम लोग देखते हैं। 2 का ए बोलता है 7.9 डीएम। अब आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, यानी 7.9 डीएम है तो पहला नंबर हम लोग सवाल जो है सो लिख देंगे। अब 7.9 हो गया मल्टीप्लाई, डीएम कहाँ है? यहाँ है,
डीएम से जाना था सीएम में जाना है। तो एक घर है, एक घर का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीएम लिखेंगे, 79 सीएम इसका आंसर हो गया। क्लियर। उसी तरह से बी नंबर सवाल में आपका है 2.30 मीटर। सॉल्यूशन लिखेंगे और 2.30 यहां पर मीटर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 2.30 यहां लिखने के बाद मल्टीप्लाई लिखेंगे और मीटर को नहीं लिखेंगे। मीटर से क्या करना है, सीएम में जाना है। क्या करना है, सीएम में दो घर दिखाई पड़ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ सीएम लिख दिए, यह हुआ 2.30 सीएम। दिस इज द आंसर। उसके बाद सी नंबर सवाल आपका कहता है 9.06 मीटर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, 9.06 मीटर यहां लिख देंगे, बराबर में 9.06 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखिए मीटर से सीएम दो घर है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करके सीएम लिख देंगे, 906 सीएम। दिस इज द आंसर। ये नंबर क्वेश्चन नंबर सी भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। सी के बाद है डी नंबर। क्या है, चलिए डी नंबर यहां देखते हैं। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में आपका है 12.12 मीटर। तो 12.12 मीटर, चलिए इसको भी शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, 12.12 मीटर लिखेंगे, बराबर 12.12 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए वहां सब आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हुआ 12.12 में 12 सीएम हो गया। दिस इज द आंसर। डी के बाद ई नंबर में आपका है 2.039। क्या है, किलोमीटर है, यहां पर केएम है, तो केएम से सीएम में बदली करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 2.039 केएम, पहले तो सवाल क्वेश्चन, उसके बाद 2.039 केएम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। अब केएम से सीएम के पास, सीएम से केएम से सीएम के पास 1, 2, 3, 4, 5 घर गए, यानी 1/5 जीरो, 1/5 जीरो, 3, 4, 5 सीएम लिख देंगे हम लोग यहाँ। उसके बाद क्या होगा, ये डेसिमल 5 अंक आगे खिसकेगा, 1, 2, 3 तो इसके पास है, अपने तरफ से 2 और दे दिए, इतना हो गया, इतना सीएम इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर। इसमें डेसीमीटर में कन्वर्ट, डेसीमीटर देखिए यहां पे डेसीमीटर है, क्या है मीटर, मीटर से डेसीमीटर, 1 अंक का फासला है, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1.9 मीटर इक्वल टू 1.9। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डीएम लिख देंगे, बराबर हो गया 1 और 9 डीएम। क्लियर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बी नंबर 20.3 मीटर, ठीक है, अब बराबर का साइन देंगे, मीटर से डीएम वही सेम है, मीटर से डीएम दोनों सेम है, इसका मतलब 20.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डीएम लिख देंगे, क्या हो गया 203 डीएम। अब आइए ये सवाल, 1.24 किलोमीटर है। अब पहला काम हम लोग सवाल लिख दिए और क्वेश्चन लिखने के बाद 1.24 लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन यहां दे देंगे, किलोमीटर से चूंकि डीएम में करना है। आइए यहां पर देखते हैं, किलोमीटर है डीएम यहां 1, 2, 3, 4, कितना है 4 टाइम,
एक पर चार जीरो, दो तीन चार जीरो और यहाँ डीएम लिख डालेंगे इक्वल टू क्या हो गया वन पॉइंट, पॉइंट घसक के चार अंक आगे जाएगा तो ये दो ठो अंक यहाँ हो गया। अब दो के बाद अपने तरफ से दो लिख दीजिए और डीएम डाल दीजिए यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 4.008 किलोमीटर। अब क्या है 4.008 लिख दीजिए और किलोमीटर या किलोमीटर से डीएम जा रहे सेम सवाल है वही एक पर चार जीरो, एक पर चार जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है और डीएम लिख देना है। डीएम लिख दिए यानी 4.6 के आगे जाएगा, तीन अंक तो इसमें है एक अपने तरफ से देंगे और डीएम लिख देंगे। क्लियर। तो डी नंबर तक सवाल हम लोग ए बी सी डी कन्वर्ट कर लिए। फोर नंबर क्वेश्चन में कन्वर्ट इनटू मीटर, इन सारे को मीटर में कन्वर्ट करना। इसमें कन्वर्ट करना मीटर में, पहले काम सॉल्यूशन लिखना और जो सवाल है उस सवाल क्वेश्चन को हम लोग एबीटी लिख लेंगे 3.2 किलोमीटर से मीटर में। अब आइए किलोमीटर से मीटर में आना है यानी 1000 तीन बार है यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 पॉइंट घसक के जाएगा तीन अंक आगे की ओर जाएगा, एक यहाँ है और अपने तरफ से दो हम लोग डाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा मीटर। दिस इज द आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है 7.09 किलोमीटर। पहला तो क्वेश्चन लिखेंगे उसका 7.09 लिखने के बाद किलोमीटर से मीटर जस्ट इसको बनाए हैं अभी हम लोग सेम बनाए हैं यानी 1000 से गुना करेंगे क्या आएगा 7 पॉइंट तो हट जाएगा जीरो हो जाएगा 9 हो जाएगा और अपने तरफ से जीरो देंगे और यहाँ पर मीटर लिख लेंगे। ठीक है। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को बताए हैं अच्छी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब। यहाँ 4.464 है किलोमीटर है। अब इसके बाद 4.64 अब मल्टीप्लाई का साइन 1/3 मीटर क्या है मीटर। अब पॉइंट घसक के आगे जाएगा 6 है 4 है एक अपने तरफ डाल दीजिए दिस इज द आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी है सॉल्यूशन लिखिए 12.8979 है लिख दीजिए और किलोमीटर है किलोमीटर लिख दीजिए। अब आगे क्या है 12.879 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से और मीटर लिख देना आप देख चुके हैं तो 12 है पॉइंट घसक के यहाँ आ जाएगा 12.879 दिस इज द मीटर एंड दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया 4 भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट सिंगल क्वेश्चन 5.3 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यानी सीएम दिया हुआ है और इसको सीएम और मिलीमीटर में बदली की यानी पॉइंट के बाद वाला वो जो है वो मिलीमीटर में होगा। अब आते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5.3 सीएम लिख दिए। अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर अपना 0.3 सेंटीमीटर। अब तो ये तो सीएम हो गया है ये तो सीएम है लेकिन ये सीएम है पॉइंट में है तो सीएम से मिलीमीटर में सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.3 इंटू 10। अब आइए यहां पर सीएम से मिलीमीटर किसे सीएम से सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है सेंटीमीटर छोटा है सॉरी बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है तो ये जब छोटा है ये बड़ा है ऐसे ये बड़ा है और उससे भी छोटा करना है कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई हो जाए यानी mm बराबर क्या हो गया 5 cm प्लस 3 mm इक्वल टू अब जॉइंट लिख दीजिए 5 cm और 3 mm दिस इज द आंसर।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू में आइए, बी में आइए, 2.8 मीटर को करना है मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर और सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां लिख लिए, उसके बाद 2.2 मीटर अप्लाई 0.8 मीटर लिखेंगे। अब ये तो कंप्लीट है, मीटर कंप्लीट है, ना कम है ना ज्यादा, पूरा कंप्लीट है, होल नंबर है, यानी ये 2 मीटर रह जाएगा। अब ये है मीटर में, डेसिमल में है, तो डेसिमल से इसको कन्वर्ट करेंगे। मीटर से कहां कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में, यानी 0.8 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर सीएम लिख देंगे, सीएम लिख देंगे, क्या हो गया 2 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जाएगा 2 अंक आ गया 80 सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। क्लियर, ए नंबर बन गया और बी नंबर हम लोग इस तरह से बना लिए। अब उसके बाद सी नंबर क्या करता है, अब सी नंबर को हम लोग इसी को इरेज कर देते हैं और सी नंबर को यहां पर लिख लेते हैं, सी नंबर, और कौन सा नंबर, ये सी नंबर और यहां पर डी नंबर हम लोग नोट करते हैं। सी नंबर कहता है 7.09 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। और डी नंबर में है 1.76 मीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, सेम सवाल है, यानी सीएम में बंदी करना है। चलिए आराम से हम लोग बनाएंगे, 7.09 मीटर यहां लिखेंगे। अब इसको 2 पार्ट में चेंज करेंगे, डेसिमल पार्ट को अलग और होल पार्ट को अलग लिखेंगे। 7 मीटर अपना 0.09 मीटर, अब ये तो 7 रह जाएगा मीटर, अब ये वाला मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। वहां से भी देख लीजिए, मीटर सेंटीमीटर 2 भाग में है, 2 पार्ट 2 भाग चलते हैं, तो क्या हो गया 7 मीटर प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, पॉइंट यहाँ घसक के चला गया 7 मीटर और 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर, अब डी नंबर सवाल को देखते हैं, 1.76 मीटर, क्लियर, इसके बाद 1 मीटर अपना 0.76 मीटर, इसके बाद 1 तो रह जाएगा होल नंबर में, अब ये सेंटीमीटर में बदली कर देंगे, 0.76 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीएम लिख देंगे। क्यों हो रहा है सब देख रहे हैं आप, समझ में आ रही होगी, 1 मीटर प्लस जब पॉइंट घसकाएंगे तो घसक जाएगा 2 अंक आगे घस जाएगा 76 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो गया 1 मीटर और 76 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया और डी भी कंप्लीट हो गया। अब सी और डी के बाद हम लोग ई नंबर पर आते हैं, इसी को इरेज करेंगे और ई नंबर हम लोग बनाएंगे, यहां पर ई नंबर और यहां पर ई के बाद एफ नंबर, कौन नंबर, एफ नंबर। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं, ई नंबर में है 2.695 है, उसमें है क्या मीटर, सेम सवाल है, मीटर एंड सेंटीमीटर। क्लियर,
मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर तीन में मिल जाओ। यहाँ ये इन 3.89 किलोमीटर, 3.89 किलोमीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। अब शुरू करते हैं 2.695, ये मीटर है। अब लिखेंगे बराबर 2 मीटर और प्लस क्या होगा, 2 मीटर प्लस 0.695 मीटर। अब सीएम में बोला है तो 2 मीटर प्लस 0.695 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीएम लिखेंगे। 2 मीटर प्लस पॉइंट फंसक के वहां जाएगा 69.5 सीएम, यानी पॉइंट रह गया 2 मीटर 69.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। एफ के बाद एफ नंबर में आते हैं तो 3.89 किलोमीटर। अब इसको लिखेंगे 3 किलोमीटर एंड प्लस 0.89 किलोमीटर। अब बोला है किलोमीटर और मीटर में बदली करने के लिए, तो इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदली कर लेंगे। तो किलोमीटर प्लस 0.89 मल्टीप्लाई होगा 1000 से। देख लीजिए मीटर से किलोमीटर 3 का फासला है, किलोमीटर बड़ा है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 किलोमीटर प्लस 89 पॉइंट भसक के आगे जाएगा 9 मीटर, यानी 3 किलोमीटर और 890 मीटर। दिस इज द आंसर। आपका एफ तक कंप्लीट हो गया, एफ तक कंप्लीट हो गया। अब एफ के बाद जी नंबर है, कितना नंबर है एफ के बाद, जी नंबर, जी के बाद एच नंबर। चलिए ए ई और एच को भी बना लेते हैं हम लोग, क्लियर। तो जी नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए जी नंबर कहता है 17.08 किलोमीटर इंटू किलोमीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर, यानी किलोमीटर एंड मीटर इसमें चेंज करना है जी नंबर सवाल को। और एच नंबर सवाल है 4.867 किलोमीटर किलोमीटर इंटू इसको भी किलोमीटर एंड मीटर में बदली करना है। चलिए शुरू करते हैं जैसे बना रहे थे, 17.08 किलोमीटर इक्वल टू 17 किलोमीटर दो पार्ट में कर देंगे, होल पार्ट अलग डेसिमल पार्ट अलग। अब आइए 17 किलोमीटर, अब इसको हम लोग अलग कर दिए हैं तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1000 यहां देख लीजिए 3 घर है, यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 17 किलोमीटर प्लस ये डिसमल आए घसक के जाएगा 8/0 मीटर, यानी घसक के 1, 2, 3 नंबर जाएगा, 3 अलग से दे देंगे लोग। तो ये हो गया आपका 17 किलोमीटर एंड 80 मीटर। दिस इज द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर एच, 4.867 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर प्लस 0.867 किलोमीटर। अब आइए ये 4 तो रह जाएगा, एज इट इज जैसे रहना है,
अब इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 0.867 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर लगा देंगे, 4 किलोमीटर प्लस 867 मीटर। अब इसको ज्वाइंट लिख देंगे, 4 किलोमीटर 867 मीटर। दिस इज द आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर एफ नंबर 0.03 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर इंटू मीटर। ये तो बहुत आसान है, सोल्यूशन लिखेंगे 0.3 किलोमीटर। अब आगे सवाल 0.3, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर लिख देंगे, पॉइंट फसक के आगे जाएगा, यानी 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 हो गया, मीटर हो गया। एंड दिस इज द आंसर। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 53 आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में फेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।